आप देख सकते हो यार, ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये था ओमान एयर का इवनिंग टाइम स्नैक, और मुझे यहाँ पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको। सो फाइनली एट दुबई एयरपोर्ट, अभी जा रहे हैं बैगेज क्लेम के लिए। और जब ये नया वाला एयरपोर्ट बन रहा था, देन आई यूज वॉच द एंटायर मेगा कंस्ट्रक्शंस का सीरीज जो नार्जियो पे आ रहा था। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर का टाइम अपने को गया है सर। रनवे से टैक्सी करके जो स्टेयर्स आते हैं स्टेयर्स तक आने के लिए, सच में बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। आई गेट सम डिटेल्स अबाउट द एयरपोर्ट, उसके बारे में बात करते हैं। अभी के लिए बट इधर ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। वॉकिंग पाथ है वो कंप्लीट कर चुके हैं अभी भी। वेलकम टू दुबई। यार जब आपको फील हो ना कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया हो, तब आपको दिखता है कि आपको एयरपोर्ट से बैगेज रिक्लेम तक ले जाने के लिए मेट्रो आती है। बड़ा फाटा है अब बगैर मेट्रो में आते हो जस्ट टू क्लेम योर बैगेज। अरे रुको रुको रुको, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो बेसिकली ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैं कुछ अनरिकॉर्डेड पार्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद हमारा फट से इमिग्रेशन हो गया था, और वहाँ पे इमिग्रेशन के साथ साथ आपको एक DU का सिम मिल जाएगा जिसपे वो लोग 1 GB का हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आपको DU के वाईफाई नेटवर्क्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको वो नंबर डालना पड़ेगा और आपके पास OTP आ जाएगा एंड यू कैन एक्सेस इंटरनेट अक्रॉस द सिटी। तो वहाँ से हम लोग बाहर निकलने के टाइम पे अपने को चेंजेस चाहिए थे दिरहम्स के। लकीली एक वहाँ का लोकल करेंसी एक्सचेंज अपने को मिल गया जो राजी हो गए उस दिन छोटे नोट्स देने के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि यूजुअली हम तो ऐसा करते नहीं हैं बट टुडे इज अ लकी डे। तो एयरपोर्ट पे इतना ही था, और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग मेट्रो से सिटी चले जाएंगे। अब वहाँ पे आता है ये चीज़, ये है दुबई का नोल कार्ड। यू कैन सी, तो नोल कार्ड कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, ये सिल्वर कार्ड है और इसके पीछे ऐसे कुछ डिटेल्स लिखे रहते हैं। ये नोल कार्ड अगर आपको चाहिए तो सिल्वर नोल कार्ड इशू करने के लिए आपको देने पड़ते हैं 25 दिरहम, जिसमें से आपको कुछ 1% जाएगा प्रोसेसिंग फी और बाकी का 5 दिरहम का रहेगा डिपॉजिट, और उसके बाद आपको 19 दिरहम आपको क्रेडिट होगा इस कार्ड में जो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग ने 25-25, 50 दिरहम के 2 नोल कार्ड लिए थे। और मज़े की बात ये थी कि जहाँ से आप मेट्रो का टिकट कर रहे हो वहाँ पे आपको काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसको इशू करवा सकते हो। इसको इशू करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब बहुत जल्दी होता है बट फिर भी आपको 5-10 मिनट का टाइम लगता है। उन लोग ने भी बहुत जल्दी किया था बट उसी टाइम पे अनाउंस हुआ था दिस इज द फाइनल कॉल, और जो एयरपोर्ट से आखिरी मेट्रो होता है दिन का दैट इज लीविंग विद इन 1 मिनट। तो हम लोग ने कैसे तैसे करके ये कार्ड अपने को मिला और हम लोग भाग के गए, और ऐसा लिटरली हम लोग ने अपना लगेजेस को उड़ा के डाला था मेट्रो के अंदर और दोनों जा कर के बैठे थे। तो बेसिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेट्रो के अंदर, और इस भीड़ की वजह से मैं उस टाइम तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये इतनी जल्दी इतना सारा कुछ हुआ ना कि उसका भी मुझे रिकॉर्ड करने को कुछ नहीं मिला। और ये नोल कार्ड 5 साल के लिए वैलिड रहता है, तो अगर आप वापस भी आ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप 5 साल में वापस जा रहे हो दुबई तो आप आराम से अपना कार्ड रिचार्ज करके यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। यही था इशू, अभी आप आगे का वीडियो एंजॉय करो। सो अभी यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग रात के बज रहे हैं 1:22 और हम लोग आए हैं मरीना वॉक के लिए। आए यहाँ पे, चेक इन वेक इन सारा कुछ कर लिया, अभी करने को कुछ था नहीं, एंड दोस गाइस जहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं दे नीडेड सम टाइम, तो
वी आर लाइक कि चलो आसपास थोड़ा सा घूम के आते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम मे बी फॉर मी टू ब्लॉग एज मुझे इधर किसी के बारे में उतना टेंशन नहीं होगा और यहाँ पे मैं और शुभो अभी घूम रहे हैं। यहाँ पे आके ये व्यू देखने के बाद ना सच्ची में एक सुकून मिला है कि इट्स माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ना खुद से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पहली बार इंटरनेशनल जा रहा हूँ देन आई वॉन्ट टू गो टू दुबई। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू गो टू दुबई, चाहे वो मैं अकेला जाऊँ फैमिली के साथ जाऊँ, अगर मैं जा रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू गो टू दुबई। कभी लगा भी नहीं था कि आई बी एबल टू मेक इट, बट हो गया कैसे तैसे करके आ गए। और कैसे तैसे से याद आया कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद मतलब प्लेन से उतरने के बाद एयरपोर्ट से निकलने के टाइम पे आखिरी मेट्रो थी वहाँ पे, और वहाँ से मेरा था कि अभी निकलना ही है। तो वहाँ भी बहुत झोल झमेले के बाद हम लोग को मेट्रो मिला, फिर इधर हम लोग आए, तो उस चक्कर में वो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट विल रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ का यार बात कुछ अलग ही है यार, बहुत मस्त है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा सराउंडिंग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आगे आपसे थोड़ी सी दिल की बात करनी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्रेजी, एंटायरली क्रेजी। सरकमस्टांसेस कभी ऐसे बन जाते हैं ना कि फील होता है यार पता नहीं कहाँ फंस गए, ऐसा फील होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। कर लेना चाहिए कभी कभी जो मन में आ रहा हो, अच्छा होता है, सोचा नहीं था हो गया। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत रिकॉर्ड तो कर लिया है, एडिट के बाद पता चलेगा कितना लंबा होता है। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस सीरीज, शेयर कर देना, दैट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। पिछले कुछ वीडियोज भी बाकी हैं जो मुझे बनाने हैं और मैं वो भी बनाने वाला हूँ, सो फॉर दैट आई नीड मे बी सम टाइम, लेकिन मोस्ट लाइकली मैं ये दुबई वाला सीरीज पहले लॉन्च कर दूँ। सो अप अंटिल देन, जब भी ये वीडियो आ जाए, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड दिस इज विशाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।